मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम के बदले मिजाज से कड़ाके की सर्दी से आमजन की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिला है। सर्द हवाओं ने लोगों को अपने घरों में रहने को विवश कर दिया है। सुबह 6:30 बजे नेशनल हाईवे 47 पर घने कोहरे के चलते वाहन चालक दिन में हेडलाइट चलाकर वाहन चलाते नजर आए। कृषक अतुल तिवारी ने बताया कि ठंड के मौसम में गेहूँ चने की फसलों की पैदावार और उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रात के तापमान में काफी गिरावट आई है। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी अपने काफिले के साथ पन्ना जिले के ग्राम पंचायत महिबा पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के बीच ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बगैर रसायन खेती करने के लिए किसानों को सलाह दिए। उन्होंने कहा कि किसान हितेशी और किसानों की चिंता करने वाली केवल एक ही सरकार है, वो भी शुभ्रा सरकार। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान मंच टूटकर धराशायी हो गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हम पर यह भी सुबह से सब जगह पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सम्मानित मंच को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन आप सबके द्वारा हो जाए। और सामने जो भैया जी फोटोग्राफी और वीडियो वगैरह। अच्छा महाकाल लोग कहाँ बना? उज्जैन। आवाज नहीं आ रही। उज्जैन। ईमानदारी से टीवी में सबने देखा ही हुआ है। भाई भाभी राजा जो छतरपुर जिले के अध्यक्ष, उनकी भी पूरी टीम आई, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आगमन हुआ अपने जिले में, तो जिस भावपूर्ण श्रद्धा